आज हम बात करने वाले हैं पिक्सल्स की। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे तो उसमें भी पिक्सल होते थे। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन या फिर एक एलईडी टीवी या फिर आपके पास एक लैपटॉप, उस लैपटॉप के अंदर अगर आप कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई फोटोज देखते हैं, अपने टीवी के अंदर भी ऐसा ही आप चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो वो सब कैसे जो है अपने को दिखता है, तो उसके पीछे का जो कारण क्या है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप सबसे पहले देख पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि मोबाइल फोन है उसके अंदर एक डिस्प्ले लगा हुआ होता है। तो आजकल काफी सारी अलग अलग डिस्प्ले आए हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। 2K, 3K, 4K, 6K, 16K, 32K, काफी सारी जो है डिस्प्ले मार्केट में आई हुई हैं। और नॉर्मली हम 2K और 4K जो है यूज करते रहते हैं ज्यादातर, जो कि सस्ते मोबाइल फोन में आती हैं या फिर महंगी डिवाइस हम लेते हैं तो उसमें हाई क्वालिटी के रिजोल्यूशन की जो डिस्प्ले है वो हमको मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज पिक्सल्स की, पिक्सल्स जो है क्या है और किस प्रकार से काम करते हैं। तो आज का जो युग है वो आधुनिक युग है और यहाँ पर जो है सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो उसके पीछे जो है आजकल डिस्प्ले वगैरह बनी हुई है, प्रोजेक्टर है, उसके पीछे भी जो है पिक्सल होता है, वो भी एक पिक्सल को प्रोजेक्ट करता है। और एक एलईडी टीवी अगर आपके पास है तो वो भी एक पिक्सल के द्वारा ही आपको पिक्सल जो है दिखाता है। तो पिक्सल क्या है और किस प्रकार से काम करते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। आपके पास अगर कोई लैपटॉप तो उसके अंदर आप कोई फोटोज जो है ओपन करें और उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा जूम करें। जब लास्ट में आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगेगा तो आपको चौकोर 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 जो डॉट्स वगैरह दिखने लगेंगे तो वही है एक पिक्सल, उस फोटो का एक पिक्सल। अगर और जब हम बात करते हैं एक डिस्प्ले की तो डिस्प्ले के अंदर पिक्सल जो है किस प्रकार से होते हैं तो वो आप देख सकते हैं इस फोटो में कि डिस्प्ले के अंदर किस प्रकार से पिक्सल लगे होते हैं। एक पिक्सल जो है वो इतना छोटा होता है कि नॉर्मल हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख पाते हैं। और जब हम जो भी वीडियो या फोटोज हमारे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो वो कई जो है करोड़ों पिक्सल एक साथ मिलकर उस फोटो को हमें दिखाते हैं, कई करोड़ों पिक्सल। और एक होता है आपके मोबाइल फोन में कैमरा और उसके आगे लिखा हुआ होता है इतने मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल। तो जो कैमरे में पिक्सल है वो भी यहाँ पर सेम है। अगर कैमरे में पिक्सल नहीं होगा तो डिस्प्ले पर जो पिक्सल है वो काम नहीं करेंगे। तो जो MP है उसका मतलब है मेगापिक्सल और 1 मेगापिक्सल में होते हैं 10 लाख पिक्सल। और ये जो 10 लाख पिक्सल हैं ये बहुत ही छोटी सी जगह में होते हैं, यानी 1 इंची के दायरे के अंदर आपको 10 लाख पिक्सल मिलेंगे। 1 इंची के अंदर आपको 10 लाख पिक्सल यहाँ पर मिल जाते हैं। और पिक्सल जो है किस प्रकार से काम करते हैं, एक पिक्सल के अंदर होते हैं 3 कलर या फिर 5 कलर तक हो सकते हैं। RGB यहाँ पर मोस्ट है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो फोटोज कौन सी आ रही है उसको कितनी लाइट के अंदर शो करना है उस हिसाब से उनकी लाइट जो है कम तेज होती रहती है। और कौन सी लाइट जो है जलानी है, ग्रीन, हरी या फिर तीनों एक साथ, वो अपना कलर बनाते रहते हैं पीछे पीछे, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये जो RGB है ये हमारे एक पिक्सल के अंदर काफ़ी सारे होते हैं। और उसके बाद जो है पिक्सल काम करने लगता है, तो उसको जो सेटअप बनता है पूरा RGB के साथ और कलर का जो मैनेजमेंट करके जो एक डब्बा बनता है वहाँ पर, तो उसे बोलते हैं हम एक पिक्सल। और 1 MP के अंदर होते हैं 10 लाख पिक्सल जो भारी मात्रा में मिलकर हमें एक फोटो दिखाते हैं। और जब करोड़ों पिक्सल एक साथ मिल जाते हैं तो हमें एक अच्छी फोटो यहाँ पर मिल जाती है। और आपके पास अगर एक टेलीविज़न जो कि HD नहीं है तो उसके अंदर जो पिक्सल हैं वो कम मिलेंगे, 2K नहीं मिलेगा, 4K नहीं मिलेगा और HD भी नहीं मिलेगा। और नॉर्मली जो है HD उनको बोल देते हैं लेकिन वो HD नहीं होता, HD होता है 2K, 4K। और 2K में और 4K में क्या अंतर है वो भी मैं बता देता हूँ। 2K के अंदर जो पिक्सल होते हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है और 4K के अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिक्सल होते हैं, 1 इंची के दायरे में उससे भी ज़्यादा आपको पिक्सल मिल जाएंगे जो कि एकदम क्लियर जो है पिक्चर आपको निकाल कर देते हैं। जितनी ज़्यादा अंदर से पिक्सल जो है लाइट पैदा करेंगे जितने कम कम जगह के ऊपर उतनी ज़्यादा जो है पिक्चर क्वालिटी बाहर निकल कर बढ़िया बन जाती है। कई बार आप जो है काफ़ी पुरानी फोटोज़ देखते हैं और उसको स्कैन करके जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर देखते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि उस जमाने का जो कैमरा है उसके अंदर इतने पिक्सल और इतना सिस्टम नहीं था, इतना ISO वगैरह जो है वो भी नहीं थे। तो जिस समय वो फोटो ली गई थी तो उस टाइम पर पिक्सल तो थे नहीं, तो उस हिसाब से वो जितना सिस्टम उसका था इतना पिक्सल के साथ उसने जो फोटो निकाली थी। लेकिन आज हम इस दुनिया के जो लेटेस्ट
गैजेट्स हैं, लैपटॉप वगैरह, उनके अंदर उसी पिक्सल की फोटो डालते हैं तो वो क्या है, उसके रिसोल्यूशन को समझता नहीं है ठीक से, या फिर ठीक से उसके ऊपर काम नहीं कर पाता, उसको धुंधला बना देता है। अगर आप एक हल्के मोबाइल से भी फोटोज लेंगे तो भी वही हाल होने वाला है। और जब एलसीडी आई थी मार्केट के अंदर तो उनके अंदर जो है मोटे मोटे पिक्सल होते थे, उसके बाद में आया एलईडी। एलईडी आने के बाद वो पिक्सल हैं वो पतले हो गए और काफी छोटे हो गए, तो ज्यादा जो है क्लियर दिखने लगा और ज्यादा साफ दिखने लगा और आंखों के लिए भी अच्छा। तो बात कर लेते हैं रिसोल्यूशन की। रिसोल्यूशन जो है उसके बिना तो पिक्सल काम ही नहीं करेंगे अगर रिसोल्यूशन नहीं होगा तो। जैसे मान लीजिए एचडी है और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं 360 पे देख रहे हैं या 720 पे देख रहे हैं, 1080 पिक्सल बाई जो है 1920 पिक्सल के ऊपर आप देख रहे हैं, यूट्यूब के अंदर ये ऑप्शन आते हैं, तो ये जो है रिसोल्यूशन का कमाल है। इसलिए रिसोल्यूशन बोलते हैं कि कितनी साइज के अंदर जो है वीडियो में देखना। रिसोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप रिसोल्यूशन को कम कर देंगे, मान लीजिए इस वीडियो को आप 360 रिसोल्यूशन के ऊपर देख रहे हैं तो जो वीडियो है वो ज़्यादा एचडी आपको नहीं दिखाई देगा, और जब आप 720 पिक्सल या फिर 1020 के ऊपर ले जाएंगे या फिर 1080 के ऊपर आप ले जाएंगे या 2160 पिक्सल फुल एचडी के ऊपर ले जाएंगे जो कि 4K में आता है, उसके ऊपर ले जाएंगे तो फुल जो है आपको देखने को मिलेगा, जो लाइट्स हैं पीछे का ब्लूर सब हट जाएगा और फुल एचडी क्लियर डिस्प्ले आपको नजर आएगी। तो ये होता है रिसोल्यूशन। और अब बात कर लेते हैं आईएसओ की, जो ज्यादातर आपको कैमरे में देखने को मिलता है। आईएसओ जो है एक सेंसर है और ये सेंसर क्या करता है, ये करता है लाइट को कंट्रोल। मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर भी जो आईएसओ है उसको जो है आप 100 के ऊपर रखते हैं, 200 पे रखते हैं, 400 पे रखते हैं, 800 पे रखते हैं, 1600 पे रखते हैं, तो ये होता है लाइट का अलग अलग सिस्टम। अगर आप इसको 1600 के ऊपर रखते हैं तो आप लो लाइट के अंदर भी ज्यादा व्हाइट या फिर ज्यादा क्लियर फोटो खींच पाएंगे। अगर आपके पास बहुत हाई लाइट है या फिर दिन के उजाले में आप फोटो या वीडियो बना रहे हैं तो आपको जो है आईएसओ कम करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से जो है आईएसओ काम करता है। आईएसओ सिर्फ ये लाइट के ऊपर काम करता है, अगर लाइट कम है तो आईएसओ को आपको बढ़ाना पड़ेगा और लाइट ज्यादा है तो आईएसओ को आपको कम करना पड़ेगा, और इस हिसाब से जो है पिक्सल्स को एडजस्ट कर लेता है। और आईएसओ का सीधा सा ये काम है कि लाइट को कंट्रोल करना, जितनी लाइट आ रही है। अगर आप ऑटोमेटिक के ऊपर आईएसओ को रखते हैं तो वो अपने आप ही समझ लेता है कि बाहर जो लाइट है वो कितनी है और हमें कितना जो है सेट करना है, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा रहा। और अगर आप रखते हैं मैनुअल के ऊपर तो आपको मैनुअली सेट करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो हैं वो भी इसी से रिलेटेड होंगे और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम बात करते हैं। तो नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है मेरे लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।